रहे हैं सीएमएन न्यूज़, मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। फारुखाबाद कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष विजय कटियार की मौजूदगी में संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। इस ज्ञापन में मांग की गई कि प्रतापगढ़ की सांगीपुर में 25 सितंबर को करीब कल्याण मेले में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस विधान दल के नेता एवं स्थानीय विधायक आराधना मिश्रा व पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी उनके समर्थकों पर प्रशासन एवं शासन द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। भाजपा के इस व्यवहार की भत्सना की जा रही है। सत्तारूढ़ दल अपने कारनामे छिपाने के लिए बेबुनियाद कांग्रेसियों पर झूठे मुकदमे लगा रही है, जिसकी घोर निंदा करते हैं। साथ ही कांग्रेसियों ने दर्ज मुकदमे वापस लेने की न्याय की मांग की है। इस मौके पर राजेंद्र नारायण मिश्रा, कौशलेंद्र यादव, अनुपमा शर्मा, शकुंतला तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमने ज्ञापन जो है 25 सितम्बर 2021 की जो घटना हुई है प्रतापगढ़ की सांगीपुर में, जिसमें आदरणीय सीएलपी लीडर श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी और पूर्व सांसद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री प्रमोद तिवारी जी और जो कांग्रेस के लोग थे उनके खिलाफ उनके ऊपर जो मुकदमा लिखा गया उसके विरोध प्रदर्शन में हमने लोगों ने ये प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया है। और निश्चित रूप से ये मुकदमा निराधार है, क्योंकि जिस मेले का आयोजन किया गया था उसमें सांसद जी और हमारे सीएलपी लीडर जी का अलग अलग टाइम था। एक ये सुनियोजित तरीके से इस प्रकरण को अंजाम दिया गया है। कांग्रेस इसका विरोध करती है और पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बीजेपी जो है हठधर्मिता पर उतारू है, तानाशाही पर उतारू है, आम आदमी की आवाज़ को दबाने का कार्य किया जा रहा है। निश्चित रूप से इतिहास में ऐसी सरकार नहीं आई और अब जनता 2022 में और 2024 में इसका जवाब वोट देकर देगी कांग्रेस को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।